वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है? तो मैंने आज का ब्लॉग इसलिए रिकॉर्ड किया कि आज पुर्तगाल में बेहद गर्मी है। आज 39-40 तक टेम्परेचर जा चुका है इस टाइम पर पुर्तगाल के अंदर। और हम लोग बेसिकली नॉर्थ में रहते हैं पुर्तगाल में, तो यहाँ पर इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड गर्मी हुई है। और आप यकीन करें कि मतलब लिटरली हवा का तो नामो निशान नहीं है, और धूप इतनी ख़तरनाक है कि आपको खा रही है। तो बहुत बहुत गर्मी है आज पुर्तगाल में, तो अपना ख्याल रखें। अच्छा, अभी ये शाम का टाइम है और तकरीबन अराउंड 8 o'clock है, और आप देख सकते हैं जैसे कितनी रोशनी है यहाँ पर। आज तो मतलब इतनी गर्मी हुई है पुर्तगाल में कि मतलब शायद मेरी नज़र में कि हिस्ट्री ब्रेक हुई है, 41 तक टेम्परेचर गया है। और मैं जो है ना वो ठंडे पानी के लिए बार बार फ्रिज की तरफ जा रहा था। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने मतलब नॉर्मल पानी पिया है, तो यहाँ की भी जो लोग हैं ना वो भी थोड़े से अक गए थे, मतलब जिनको सीजल बाग में कहा जाए। तो आज बहुत गर्मी थी पुर्तगाल के अंदर और हिस्ट्री आई थिंक ब्रेक हुई है। अभी थोड़ी सी शाम का टाइम हुआ है, थोड़ा सा मौसम में थोड़ी सी ठंडक आई है, तो अल्लाह करे कि यहाँ अभी बारिश हो जाए एक आध दो दिन में, तो मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि मज़ीद आगे गर्मी बढ़ेगी, तो देखें अल्लाह रहम करे। क्योंकि देखें वर्ल्ड क्लाइमेट जो है ना वो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। मैंने कहीं देखा था, शायद एक आध दो महीने पहले देखा था, मेरे दोस्त ने मुझे फ्रांस से वीडियो भेजी थी। फ्रांस में जो है ना वो बर्फ़बारी हो रही थी, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ना, ये शायद रमज़ान की बात है। तो वो कहते ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये अचानक जो वर्ल्ड क्लाइमेट में चेंजिंग आ रही है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में स्पेशल कराची के अंदर जिस तरह की बारिशें हुई हैं, 2020 के अंदर मैं वहाँ मौजूद था कराची के अंदर, बहुत तबाहकुन बारिशें हुई थी, बहुत तबाही। लेकिन सुनने में आया कि ये जो बारिशें हुई हैं ना ये उससे ज़्यादा हुई हैं, तो अल्लाह रहम करे ये जो बारिशें हैं ये हमारे लिए अल्लाह रहमत की बारिशें बरसातें करें हम पे। तो रहमत की जो बारिश होती है ना वो उसकी तो क्या ही बात है। तो गर्मी जो है ना वो आज बिल्कुल भी बेर नहीं हो रही थी, और थोड़ी थोड़ी ठंडक आ रही है और मौसम सेट हो रहा है। और बस देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता रात आएगी और फिर शाम की ठंडी हवाएँ। देखें रात अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत बनाई है, लेकिन है तन्हा, हैं खूबसूरत है लेकिन है तन्हा। अभी थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर हुआ है, अभी घर की तरफ चलें। अभी खाने का टाइम है और तकरीबन रात के 8:30 हो रहे हैं, और अभी लिफ्ट आ गई है, अभी लिफ्ट में बैठते हैं तो इंशाल्लाह घर जाते हैं। अभी देखते हैं क्या बना हुआ, खाना खाते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल।